हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनको डायरिया की प्रॉब्लम है, उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है या स्टमक पेन है। तो उन सभी के लिए एक होम रेमेडी है जो इन सब प्रॉब्लम को दूर करेगी। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, उसमें एक गिलास पानी डाला है और मैं इसमें एक चम्मच जीरा डालूँगी। आपको इस जीरा और पानी को तब तक उबालना है जब तक ये उबल कर आधा ना रह जाए। गाइस, यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं और आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ वो आप तक पहुँच सके। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पानी को उबलते हुए लगभग 8 से 9 मिनट हो गए हैं और ये लगभग उबल कर आधा हो गया है, आधा ग्लास हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। इस पानी को हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर करना है। पानी लगभग ठंडा हो गया है, अब इस पानी को छन्नी की हेल्प से छान लेंगे। अब इसमें मैं एक चम्मच चीनी डाल दूंगी और इस चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपको इसमें आधा नींबू का रस अच्छे से मिक्स करना है। फिर मैं चीनी और नींबू को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। जिसको भी डायरिया की प्रॉब्लम है, स्टमक पेन हो रहा है या लूज मोशन है या दस्त हो रहा है, तो आप उसको ये होम रेमेडी दीजिए। सुबह खाली पेट ये होम रेमेडी लेना है और उसके 30 या 40 मिनट्स तक आपको कुछ नहीं खाना है। इस होम रेमेडी को सिर्फ आपको एक बार लेना है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, स्टमक पेन, डायरिया, उल्टी, दस्त सब दूर हो जाएगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।